स्कैल्प में खुजली होती है, इचीनेस होती है, डैंड्रफ होता है या फिर आपके कान के आगे के बाल, फोरहेड के आगे के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैल्प में इचीनेस की। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोग मुझे बताते हैं कि जब हम इना मेहंदी लगाते हैं या इंडिगो लगाते हैं या फिर वैसे भी जब आपका सीज़न चेंज हुआ है तो आपके स्कैल्प में इचीनेस रहती है। स्कैल्प में इचीनेस मीन्स आपकी स्कैल्प जो है अच्छे से क्लीन नहीं होती है, और साथ ही साथ आपकी स्कैल्प क्लीन ना होने की वजह से आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी इसकी एक होम रेमेडी कि किस तरह से आप स्कैल्प में इचीनेस को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ शेयर करूँगी एक और ऐसी रेमेडी जो आपके सफ़ेद होते हुए बालों को काला करती है। सो एक और प्रॉब्लम आप सब लोगों की है कि कान के आगे के बाल, फोरहेड के आगे के बाल आपके जल्दी से सफ़ेद हो जाते हैं। विंटर सीजन है, आप मेहंदी नहीं लगाना चाहते हैं, इंडिगो नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको दो रेमेडीज शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको एक तो स्कैल्प की इचीनेस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शेयर करूंगी, साथ ही साथ शेयर करूंगी एक ऐसी हेयर डाई जो कि आपके सफ़ेद बालों को काला करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, डेमो के साथ आपको शेयर करूंगी और रिजल्ट में आपको बताऊंगी कि इन दोनों रेमेडीज में से कौन सी कितनी इफेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए बिंदु नेचुरल वर्ल्ड को, आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। सो फ्रेंड्स, स्कैल्प की इचीनेस की बात की जाए तो जब आप हिना इंडिगो लगाते हैं तो उसको जब आप रिंस करते हैं तो प्लीज़ आप बहुत ही अच्छे से उसको रिंस किया करें, 5-10 बार पानी के साथ उसको रिंस करें ताकि कुछ भी पार्टिकल्स आपके स्कैल्प के अंदर ना रहें। एंड उसके बाद भी अगर आपको इचीनेस होती है, इट मीन्स आपकी स्कैल्प जो है सेंसिटिव है या फिर अच्छे से क्लीन नहीं हुई है। सो फ्रेंड्स, इसको क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे एक मास्क शेयर करूँगी जो कि बना हुआ है एक्टिवेटेड चारकोल के साथ। नाउ एक्टिवेटेड चारकोल जिस तरह से आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, उसी तरह से आपकी स्कैल्प को भी डिटॉक्सिफाई करता है। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है आपकी स्कैल्प की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्कैल्प में जो सीबम प्रोड्यूस होता है उसको ये कंट्रोल करता है, साथ ही साथ आपके स्कैल्प में किसी भी तरह के अगर डर्ट डस्ट जमा हुई है, पॉल्यूशन जमा हुआ है, तो उसको ये अच्छे से क्लीन करेगा, डीपली पेनिट्रेट होके क्लीन करता है। साथ ही साथ आपके बालों में शाइन भी देता है और साथ ही साथ ये आपके बालों की हेल्थ के लिए अच्छा है। सो अल्टीमेटली ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है और किस तरह से लगाना है। सो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। सो हमने यहाँ पे लिया है नारियल का तेल, 1 चम्मच के जितना मैंने लिया है नारियल का तेल, और इसको मैंने हल्का सा वार्म अप कर लिया है। इसको हमने सिर्फ पिघलाना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। सो माइक्रोवेव में मैंने इसे पिघला लिया है और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यूज़ किया है यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल। 1 चम्मच के जितना मैंने एक्टिवेटेड चारकोल लिया है, आप किसी भी ब्रांड का एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे 1 चम्मच के जितना एक्टिवेटेड चारकोल इस कोकोनट ऑयल में हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। जब आप मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये बहुत ही बारीक सा पाउडर होता है और जिस तरह से हम इसको मिक्स करते जाते हैं ये बाहर की तरफ फैलता जाता है। मीन्स ये बहुत ही फाइन एंड इतना लाइट वेट पाउडर होता है कि ये हर जगह फैल सकता है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाउ ये जो है ये है हमारा स्कैल्प क्लींजर। सो इसको यूज़ किस तरह से करना है, इसको यूज़ करने के लिए आपने इसको आपके स्कैल्प के ऊपर लगाना है। स्कैल्प में इसको अच्छे से लगाएंगे जिससे कि ये कोकोनट ऑयल की हेल्प से आपके स्कैल्प के रूट्स में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा और इसको हम पूरे स्कैल्प पे लेयर बाय लेयर करके लगाएंगे और फिर इसको छोड़ देंगे 25 से 30 मिनट के लिए। सो 25 से 30 मिनट के लिए इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से वॉश कर देना है एंड देन अगर आप चाहें तो कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ माइल्ड शैम्पू भी काम करेगा। सो इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है और ये आप वीकली वंस यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके स्कैल्प की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, साथ ही साथ आपके जो इचीनेस है वो कम होगी, आपके जो स्कैल्प के अंदर रूट्स में जो पोर्स हैं वो आपके ओपन अप होंगे जिससे आपके बालों की जड़ों को हवा मिलेगी, ब्रीथ होंगे वो, और आपके जो हेयर हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे और साथ ही साथ हेल्दी भी होंगे। सो चलिए बढ़ते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स वालों के साथ।
सो सेकेंड रेमेडी में भी हम यूज़ करेंगे एक्टिवेटेड चारकोल. एक्टिवेटेड चारकोल मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच के जितना. सो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 छोटे चम्मच मैंने लिए हैं एक्टिवेटेड चारकोल के. एंड उसके बाद हमने यूज़ करना है फ्लैक्स सीड्स. अलसी लेनी है, अलसी के बीज लेने हैं हमने, और इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर देना है. अच्छे से ब्लेंड करेंगे अलसी को. और अलसी जो है आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. सो यहाँ पे अलसी का एक और भी इम्पॉर्टेंट काम है इस हेयर डाई में, जो कि मैं आगे आपको शेयर करूँगी. सो अलसी को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है. नाउ एक पैन लेना है आपने. एक पैन में आपने 1 गिलास के जितना पानी डाल देना है, और इसके अंदर हमने डालनी है अलसी. 2 चम्मच की जितनी अलसी डालनी है. पिसी हुई अलसी डालेंगे, मीन्स अलसी का पाउडर डालेंगे. बाजार से लिया हुआ पाउडर मत यूज़ करिएगा, घर पे बनाया हुआ पाउडर ही यूज़ करना है. सो 2 चम्मच की जितना हमने पाउडर डाला है. एंड देन हमने डाला है यहाँ पे 2 चम्मच की जितना एक्टिवेटेड चारकोल. सो फ्रेंड्स इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम बॉयल करेंगे. इसको हम बॉयल करेंगे गुड 4 to 5 मिनट्स के लिए. और आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मिक्सचर है हमारे फ्लैक्स सीड्स का एंड एक्टिवेटेड चारकोल का. इसको बहुत ही अच्छे से आपने बॉयल करना है जब तक कि ये फ्लैक्स सीड्स जेल में कन्वर्ट ना हो जाए. तो फ्रेंड्स बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं जिसमें फ्लैक्स सीड जेल को हमने बनाया है और यूज़ किया है. सो यहाँ पे अल्टीमेटली हमने फ्लैक्स सीड जेल को चारकोल पाउडर में ऐड किया है. सो इस तरह से आपने इसको बना लेना है. और इसको जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए, आपको लगे कि ये जेल बन गया है, तब आपने इसको बंद कर देना है और ढक देना है. और आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि फ्लैक्सिड जेल जो होता है ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है. सो जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तभी हम इसको यूज़ करेंगे. ठंडा होने के बाद फ्रेंड्स आपने इसको छान लेना है, और ये एक जेल लाई कंसिस्टेंसी में आ जाता है जिसमें कि आपका ये थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाता है ब्लैक कलर का. सो फ्रेंड्स ये कॉम्बिनेशन है एक्टिवेटेड चारकोल एंड फ्लैक्सिड फ्लैक्सीड्स का, जो कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. सो चलिए मैं आपको डेमो दिखाती हूँ किस तरह से इसको यूज़ करना है. सो फ्रेंड्स इसको यूज़ करने के लिए आप अपने स्कैल्प में जहाँ पे आपके ग्रे हेयर हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं. आपने इसको ब्रश के हेल्प से यूज़ करना है या फिर कॉटन की हेल्प से यूज़ करना है, किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. सो आपने इसको अप्लाई करना है अपने बालों में, अपने रूट्स में, और साथ ही साथ इसको छोड़ देना है 45 मिनट्स के लिए. ध्यान रहे इसको अप्लाई करने से पहले आपके बालों में किसी भी तरह का कोई भी ऑयल नहीं लगा हुआ होना चाहिए. आपके बाल क्लीन होने चाहिए, आपके बालों में किसी तरह की डस्ट डर्ट नहीं होनी चाहिए. सो आपने इसको इजीली अप्लाई कर लेना है अपने बालों के ऊपर. एंड 45 मिनट से 60 मिनट्स तक आप इसको छोड़ सकते हैं. और अगर आप सिर्फ और सिर्फ कान के आगे लगा रहे हैं या फिर फोरहेड के आगे लगा रहे हैं तो आप इसको लिव इन कर सकते हैं, मीन्स आप इसको छोड़ सकते हैं, आपको इसको धोने की ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पे मैंने आपको कान के आगे लगा के दिखाया है और फोरहेड के आगे लगा के दिखाया है. एंड देन ये जो है अगर आप पूरे स्कैल्प पे लगाते हैं तो आप इसको वॉश भी कर सकते हैं. एंड जब हमने इसको अच्छे से छान लिया है तो इसमें एक्टिवेटेड चारकोल के पार्टिकल्स निकल गए हैं, बट उसका जो ब्लैक कलर है वो फ्लैक्सिड जेल में आ गया है. एंड जो फ्लैक्सिड जेल होता है हम उसको परमानेंट लगा के रख सकते हैं, आपको धोने की ज़रूरत नहीं है. सो आपने अगर पूरे बालों पे लगाया है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं 45 मिनट्स, और 60 मिनट तक ये अच्छे से सूख जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं. अदरवाइज आप इसको वॉश भी कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स जब आप वॉश करेंगे तो नॉर्मल पानी से वॉश करना है, आपने शैम्पू नहीं करना है. सो नॉर्मल पानी से वॉश करने से ये आपके सफ़ेद बालों में हल्का हल्का सा रंग देगा. सो इसको मैं टेम्परेरी हेयर डाई के जैसे यूज़ करूँगी, जो कि मैं अपने कान के आगे और अपने फोरहेड के आगे के बालों को कवर करने के लिए यूज़ करूँगी, ताकि इसको मुझे धोना ना पड़े और इसका जो कलर है वो डार्क रहे मेरे बालों के ऊपर. सो दिस इज़ टेम्परेरी हेयर डाई जो आप इंस्टेंट बना सकते हैं, इंस्टेंट लगा सकते हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा सा कलर देती है. आई वुड नॉट से कि 100% कलर देती है, बट येस 50 to 60% आपके ग्रे हेयर्स को ये कवर कर देती है. सो आई होप कि आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी, और ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा. तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.